अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिफ्टन स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की वैकेंसीज की अपडेट लेके आए हैं। तो अगर आप लोग पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को गौर से देखना है, एंड तक देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोग जॉब की मुकम्मल डिटेल को जान सके, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग से शेयर करेंगे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस की हैं और वैकेंसीज पे अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग उन पे अप्लाई कर सकते हैं और उन वैकेंसीज पे अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई जॉब की मालूमात आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जो वैकेंसीज अनाउंस की हैं, उन वैकेंसीज पे अप्लाई की आखिरी तारीख 6 नवंबर है, 6 नवंबर है, और उन वैकेंसीज पे अप्लाई करने के लिए जो आपको तलीम चाहिए है, जो मतलूबा तलीम है, क्वालिफिकेशन है, वो मैट्रिक है, प्राइमरी है और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर है, ठीक है। और इसमें जो टोटल असामियां अनाउंस हुई हैं वो तकरीबन 300 हैं, ठीक है। और इन जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, उन वैकेंसीज में सिविल ड्राफ्टमैन है, एनसीज कारपेंटर है, एनसीज खलासी है, एनसीज सैनिटरी वर्कर है और सिपाही की वैकेंसीज है, ठीक है। और इन वैकेंसीज पे अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें आपको ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 18 से 25 साल है, यानी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन मैट्रिक या डिप्लोमा ऑफ सोशल इंजीनियर है। उसके बाद जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और जो चेस्ट है वो 32 से 34 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और इस पर जो अप्लाई करने का तरीकाकार है, आप लोगों ने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, कोई एप्लीकेशन नहीं भेजनी, बल्कि आप लोगों ने खुद जो है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेंटर कराची पे जो आप लोगों ने खुद जाना है, ठीक है। डायरेक्ट भर्ती होगी इसकी, आपने 6 नवंबर तक इस सामने वीडियो में जो ड्रेस देख रहे हैं, इस ड्रेस पे आप लोगों ने जाना है। और जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है तो अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करा हुआ और तमाम डॉक्यूमेंट के टेस्टेड फोटोकॉपीज और रिसेंट फोटोग्राफ्स भी अपने जो है वो साथ लेके जाने हैं। और इसमें जो भर्ती का प्रोसीजर है, सबसे पहले आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद आप लोगों का इनिशियल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगी और फाइनल सिलेक्शन के बाद आप लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने यह बात जरूर याद रखनी है कि इसका कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना आप लोगों ने, बल्कि खुद भर्ती सेंटर में जो है वो तशरीफ ले जानी है, ठीक है। तो इसके बाद ये पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से भी आप लोग जो है सारी डिटेल रीड कर सकते हैं कि कौन कौन सी असामियाँ अवेलेबल हैं और उन पर अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर तलीम के अलावा अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी होगा तो आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, ठीक है। हाफिज़ कुरान जो लोग होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बाकी की तफसील यहाँ से एडवर्टाइजमेंट से जो मुकम्मल रीड करें, तो बाकी आप लोगों को सारी डिटेल मिल चुकी है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। शुक्रिया।